नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे, मुंबई से आगरा तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुंबई से आगरा तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे मुंबई से आगरा तक कौन कौन सी ट्रेन चलती है और उन सभी ट्रेनों की डिटेल के बारे में बात करेंगे। डिटेल में बात करेंगे उन सभी ट्रेनों के नाम और नंबर के बारे में, जानेंगे मुंबई के कौन से स्टेशन से वो कितने बजे कौन से प्लेटफॉर्म से चलती है और आगरा के कौन से स्टेशन पे कितने बजे कौन से प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है और वो जो ट्रेन है कितने समय में अपनी दूरी जो है कवर करती है, कौन कौन से दिन वो ट्रेन जो है मुंबई से आगरा के लिए चलती है और उस ट्रेन में कौन कौन से कोचेस हैं, कितना डिस्टेंस कवर करती है, एवरेज स्पीड क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इस रूट पर जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो है मुंबई CSMT हज़रत निज़ामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस और सबसे स्लोएस्ट है मुंबई CSMT अमृतसर एक्सप्रेस। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात कर लेते हैं एक एक करके उन सभी ट्रेनों के बारे में जो कि मुंबई से आगरा के बीच में चलती है। मुंबई से आगरा के बीच में जो सबसे पहली ट्रेन चलती है वो है मुंबई LTT हरिद्वार AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12171। ये जो ट्रेन है मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 7:55 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 19:45 बाद आगरा कैंट में अगले दिन रात के 3:40 पर तीन नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है। इसके तकरीबन 8 स्टेशन हैं, 1330 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 67 किलोमीटर पर आवर है। इसका ट्रेन नंबर है 12171 और इसमें फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC के कोच हैं। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पे चलती है उसका नाम है मुंबई LTT बरेली वीकली एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 14313। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से हर सोमवार को सुबह 8:05 पर 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 22:20 बाद आगरा कैंट में अगले दिन सुबह 6:25 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। इसके तकरीबन 17 स्टेशन हैं और 1330 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 60 किलोमीटर पर आवर है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं और ये ICF कोचेस वाली ट्रेन है। ये वैसे ट्रेन जो है मुंबई से बरेली के बीच में चलती है, बट हम मुंबई से आगरा के लिए बात कर रहे हैं। इसके बाद मुंबई बरेली एक्सप्रेस के बाद जो अगली ट्रेन जो कि मुंबई को आगरा से जोड़ती है वो है मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस ट्रेन। मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रेन नंबर है 12617। ये जो ट्रेन है मुंबई के पनवेल जंक्शन से रोजाना रात दोपहर के 12:40 पर 5 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 21:15 बाद अगले दिन सुबह 9:55 पर 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आगरा कैंट में पहुंचती है। इसका ट्रेन नंबर है 12617। तकरीबन 16 स्टेशन है, 1330 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 63 किलोमीटर पर आवर है और सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, साउदर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। सेकंड AC, थर्ड AC, थर्ड AC इकोनमी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं और ये LHB कोचेस वाली ट्रेन है। इसके अलावा इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। इसके बाद मुंबई से आगरा तक चलने वाली जो अगली ट्रेन है वो है सबसे फास्टेस्ट ट्रेन, जिसका नाम है मुंबई CSMT हज़रत निज़ामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन। ये जो ट्रेन है इसका ट्रेन नंबर है 22221 यानी कि 22221। ये जो ट्रेन है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से रोजाना शाम के 4 बजे 18 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 15:30 बाद सुबह 7:30 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है। इसके तकरीबन 8 स्टेशन हैं, 1350 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 87 किलोमीटर पर आवर है। राजधानी टाइप की ट्रेन है, सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC के कोच हैं। इसके अलावा पेंट्री कार का कोच भी इसमें शामिल है। ये सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है सभी ट्रेनों में से। इसके बाद मुंबई से आगरा के बीच में जो अगली ट्रेन चलती है वो है लश्कर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12161। लश्कर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है हर शुक्रवार को शाम को 4:25 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 22:55 बाद आगरा कैंट में अगले दिन दोपहर के 3:20 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। इसके तकरीबन 19 स्टेशन हैं, 1330 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 58 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है।
और इसमें कोचेस के बारे में बात करें तो LHB कोचेस वाली ट्रेन है, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा पेंट्री कार का कोच भी इसमें शामिल है। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पे चलती है जो कि मुंबई को आगरा से कनेक्ट करती है, वो है पंजाब मेल ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 12137। ये जो ट्रेन है मुंबई के दादर सेंट्रल से हर रोज़ शाम के 7:50 पे 11 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 22 घंटे बाद आगरा कैंट में अगले दिन शाम के 5:50 पे 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 29 स्टेशन हैं, 1338 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 61 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। कोचेस के बारे में बात करें तो फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। LHB कोचेस वाली ट्रेन है। वैसे ये ट्रेन जो है मुंबई से फिरोजपुर पंजाब के बीच में चलती है, बट इस वीडियो में हम मुंबई से आगरा तक की चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पे चलती है जो कि मुंबई को आगरा से कनेक्ट करती है, वो है अवध एक्सप्रेस। अवध एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है 19037। ये जो ट्रेन है मुंबई के बांद्रा टर्मिनस से रोजाना रात के 10 बजे 5 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 20:48 बाद ईदगाह आगरा जंक्शन में शाम के 6:48 पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 39 स्टेशन से 1240 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 60 किलोमीटर पर आवर है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। कोचेस के बारे में बात करें तो फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास, थर्ड AC इकॉनमी, जनरल डिब्बे हैं। LHB कोचेस वाली ट्रेन है। इसके बाद जो अगली ट्रेन इस रूट पे चलती है जो कि मुंबई को आगरा से कनेक्ट करती है, वो है बांद्रा टर्मिनस गाजीपुर सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 20941। ये जो ट्रेन है मुंबई के बांद्रा टर्मिनस से हर इतवार और शुक्रवार को रात को 11:25 पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 17:35 बाद शाम के 5 बजे 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आगरा कैंट में पहुंचती है। इसके तकरीबन 17 स्टेशन से 1241 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 71 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, वेस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। और इसमें कोचेस के बारे में बात करें तो ये LHB कोचेस वाली ट्रेन है। फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। और अगर कोच कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो 2 जनरल डिब्बे हैं, 8 इसमें स्लीपर क्लास के कोच हैं, 5 इसमें थर्ड AC के कोच हैं, 2 इसमें सेकंड AC के कोच हैं और 1 फर्स्ट AC, सेकंड AC का एक कंबाइन कोच भी इसमें शामिल है। इसके बाद जो आखिरी ट्रेन इस रूट पर चलती है जो कि मुंबई को आगरा से कनेक्ट करती है, वो है मुंबई CSMT अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि सबसे स्लोएस्ट ट्रेन भी है। इसका ट्रेन नंबर है 11057। ये जो ट्रेन है मुंबई के दादर सेंट्रल से रोजाना रात के 11:40 पे 11 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 24:25 बाद आगरा कैंट में रात के 12:05 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 47 स्टेशन है, 1340 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 55 किलोमीटर पर आवर है। सेकेंड AC, थर्ड AC इकॉनमी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा पेंट्री कार का कोच भी इसमें नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ मुंबई से आगरा तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। इस तरह चैनल के साथ